हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो चलिए आज हम स्टडी करेंगे 12th केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम आ चुके हैं फाइनली। केमिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसके बारे में जब हम स्टडी करने वाले हैं। तो सॉलिड स्टेट लेक्चर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर जैसा कि बेसिकली, तो इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो हमारा क्या होगा, बेसिक बेसिक सी बातें होंगी और इम्पॉर्टेंट भी है एग्जाम व्यू से, तो हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली बेसिक बातें ही करेंगे, सॉलिड की प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ सॉलिड वगैरह वगैरह। चलिए तो लेक्चर शुरू करते हैं। मैंने भी जो जय सकते ना, टाइम वेस्ट ना करते हुए लेक्चर पे आ जाते हैं, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, हाँ, जैसा कि हेडिंग अब है सॉलिड के बारे में। सबसे पहले हम सॉलिड के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या है। तो सॉलिड वो मैटर ऑफ स्टेट है, किसी भी मैटर का वो स्टेट है जिसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल काफी स्ट्रांग होता है, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। लिख दे रहा हूं, दोज टाइप ऑफ मैटर इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वेरी स्ट्रांग। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब क्या है, जैसे हो गया लाइक एटम्स की बात की जा रही होगी या फिर मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही होगी, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफी स्ट्रांग होता है। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, मान लीजिए कि दिस इज, ये कुछ ऐसा है, तो इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इससे इसके बीच का, देखो जब भी मैं ये दिखाऊं तो इसका मतलब सेंटर पार्ट है, दिस इज सेंटर पार्ट, ये हर एक एटम के सेंटर पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये जो है न्यूक्लियस या सेंटर पार्ट है, तो एटम कहाँ पे होगा, एटम तो आप जानते हैं स्फेरिकल होता है, तो वो तो बड़ा ही होगा इससे, जैसे ये है उसका एटम। तो ये जो है काफी क्लोजली पैक्ड होता है, इसके बीच का सेंटर टू सेंटर जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का, कोई जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा, वो काफी स्ट्रांग होता है नहीं? वो काफी स्ट्रांग होने वाले, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये सब एक तरीके से क्लोजली पैक्ड होता है, इसीलिए ये काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। इस तरीके से ये क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होने की वजह से काफी स्ट्रांग होता है, इसके बीच का लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बार बार बोल रहा हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं बोल सकते, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो सॉलिड क्या है, दोज टाइप्स ऑफ मैटर इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइक एटम्स और मॉलिक्यूल इज वेरी स्ट्रांग, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं सॉलिड के बारे में। आप जानते हैं किसी भी स्टेट के थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे किसी भी सॉरी मैटर के थ्री टाइप्स होते हैं, जैसे हो गए सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लिक्विड एंड गैस ये जो अपने गैसेस स्टेट अपने 11th में पढ़ा होगा, है नहीं, गैसेस स्टेट आपने पढ़ लिया वहाँ पे, और जो लिक्विड स्टेट है आपने 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, है नहीं। चलिए तो शुरू करते हैं, नहीं पढ़ा तो फिर 11th का लेक्चर तो बनाना ही है, उसमें फिर पढ़ लेंगे, आप तो 12th में आपको नहीं पढ़ना हो सर। चलिए तो ये है सॉलिड स्टेट के, सॉलिड के बारे में हम कुछ बेसिक बातें जान ली, अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं फटाफट से, बेसिक बातें कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं क्या होगा, सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्या लिख सकते हैं, शेप साइज एंड वॉल्यूम, शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट। ये क्या होता है, डेफिनेट होता है, शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट, ये हमेशा आपको क्या मिलने वाला है, डेफिनेट मिलने वाला है, ठीक है। शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट, ये हमेशा आपको डेफिनेट मिलने वाला है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले, क्योंकि कोई भी एक सॉलिड है, जैसे आप मान लो कि चेयर की बात कर रहे हो, तो चेयर लोगे तो वो चेयर ही रहना है, ऐसा नहीं कि कुछ देर बाद उसका शेप चेंज हो जाएगा, या उसके ऊपर आपने पानी रख दिया तो उसके शेप साइज चेंज हो जाना है, वॉल्यूम चेंज हो जाना है, ऐसा नहीं। कोई ब्रिक्स है, ईंट है, उसको भी आप देखोगे
कितना भी कुछ कर लो वो ईंट ईंट ही रहना है, जब तक कि आप उसको एक्सटर्नली कुछ कर नहीं पा रहे तब तक वो सेम टू सेम रहने वाला है। तो इसलिए हम बता सकते हैं सेफ साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेफिनेट। सेकेंड प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वेरी स्ट्रांग। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज वेरी स्ट्रांग, समझ रहे? मीन्स पार्टिकल्स के बीच, ये तो अभी भी मैंने बताया तो भी था कि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच वो काफी स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है? दिस इज सेकेंड। थर्ड में हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। ये हाई है, मेल्टिंग पॉइंट इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज हाई, वेरी हाई, ये ज़्यादा होता है। मीन्स अगर मान लो कि किसी चीज़ को आपको मेल्ट करना है, किसी सॉलिड को मेल्ट करना है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जैसे लिक्विड है, वाटर को आपको बॉयल करना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आप उसे आसानी से कर सकते हो, लेकिन एक चेयर को आपको लिक्विड स्टेट में लाना है तो 1000 डिग्री के भी ऊपर जाके आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा, ठीक है? दिस इज फोर्थ। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज लो। कंप्रेस इसे बहुत ही कम किया जा सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये डस्टर है, फिलहाल ये दिस इज इन सॉलिड, ये सॉलिड है, अगर मैं इसे कंप्रेस करना चाहूँगा कितना भी दम लगा लूँ ये कंप्रेस नहीं होने वाला, चाहे इसे एक्सपेंड करना चाहूँगा ये एक्सपेंड नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसका कंप्रेसिबिलिटी बोलो या फिर आप फ्लैक्सीबिलिटी बोल दो। अगला लिख दो, फ्लैक्सीबिलिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी लो। ना तो हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, ना तो पिचका सकते हैं, और ना इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, दोनों में से हम कुछ नहीं कर पाते इजिली। ऐसे आप तो चाहे तो एक्सटर्नली कर सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं कर सकते, इसीलिए लिख सकते हैं कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज लो एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज ऑल्सो लो। क्लियर है? हाँ। एक और प्रॉपर्टीज है, दिस प्रॉपर्टीज जनरली, ऐसे जितने भी हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं जनरली है, वो क्या है? सॉलिड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज जनरल प्रॉपर्टी। जनरली ऐसा नहीं कि हर सॉलिड, जैसे आप बोलोगे सर ये डस्टर भी तो सॉलिड है लेकिन ये गुड कंडक्टर नहीं है, जनरली बात की जा रही है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। जनरली की मैं बात करूँ तो जो सॉलिड स्टेट में होता है वो कंडक्टर की हीट कंडक्टर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्लियर है? तो चलिए जल्दी से इसे फटाफट स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर नोट कर लीजिए, जो भी करना है फटाफट कर लीजिए, जल्दी कीजिए, हमें इसे रफ कर देना फटाफट से, है नहीं? अब है कि बेसिक टाइप से इसके कितने टाइप्स होंगे वो आपको बेसिकली, सबसे पहले बेसिकली इसे कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, किसे? सॉलिड को कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो सॉलिड को दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स में। सॉलिड जो है, ये जो सॉलिड है हमारा वो एक्चुअली टू टाइप्स के होंगे। पहला हो गया क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही है, इसी के बारे में हमें पूरे चैप्टर में इसी के बारे में स्टडी करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। फिलहाल हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एंड सेकेंड इज एमॉर्फस सॉलिड। तो जो एमॉर्फस सॉलिड है ये अभी हम थोड़ा सा स्टडी करके उसके बाद उसको छोड़ देंगे, हम जो भी स्टडी करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में होगा। चलिए तो मैं एक्चुअली इसमें जो डिफरेंस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम से काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं इसके बीच क्या डिफरेंसेज भी साथ में ही देख लेंगे, है नहीं? डिफरेंसेज टाइप से मैं स्टडी कर रहे हैं, ओके? तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सबसे पहली बात तो मैं वही लिखूंगा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसे हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉलिड। और इसे जो हम बोलते हैं वो होता है स्यूडो सॉलिड। जैसे स्यूडो सॉलिड, और या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। अब मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू सॉलिड, यही है ओरिजिनल सॉलिड। इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टीज जो बोला था, प्रॉपर्टीज
ऑफ सॉलिड वो बेसिकली ये सारे ट्रू सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड, या अपने बचपन से जो भी सॉलिड्स के बारे में पढ़ रखा था वो एक्चुअली ट्रू सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए ही था। अब जो है मॉर्फस सॉलिड वो ये तो सीडो मीन झूठा सॉलिड ही सॉलिड एक्चुअली उस टाइप से नहीं है जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं सॉलिड्स के बारे में, जैसे हमारी सोच है सॉलिड को लेके वो एमॉर्फस को नहीं है, एमॉर्फस से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। उसे हम दूसरा नाम जो देते हैं सुपर कूल लिक्विड क्यों है आखिर मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने अभी देखा होगा कभी जैसे चेयर है नहीं, चेयर है चेयर बोल रहा हूँ तो मैं ये वाला चेयर प्लास्टिक की चेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे ये लकड़ी का चेयर है पुराने टाइम में हुआ करते थे, तो आपने देखा होगा कि सालों 10 साल 20 साल के बाद भी उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था अगर हमने उसके हाथ पांव सलामत छोड़ दिया तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2-4 साल 5 साल पुराना कांच का ग्लास देखा होगा तो उसमें बहुत डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। आपने कभी नोटिस नहीं करा होगा, अगर आप उसे नोटिस करोगे तो जो कांच का ग्लास है उसका ऊपर का जो थिकनेस होता है वो कम होने लग जाता है लेकिन नीचे का थिकनेस बढ़ने लग जाता है, क्योंकि वो लिक्विड का होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। कांच का जो बना ग्लास जो है वो लिक्विड का होता है, काफ़ी हाई डेंस हाई मतलब इस तरह प्रेशर पर बनाया जाता है, वो धीरे 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 वो लिक्विड से वो चेंज होने लगता है, नीचे की थिकनेस बढ़ने लगे तो ऊपर की कम होने लग जाती है, ये है रीजन। इसलिए इसे स्यूडो सॉलिड या फिर सुपर कूल लिक्विड ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर अ लॉन्ग रेंज वो किसके लिए हो जाएगा, क्रिस्टलाइन के लिए। क्रिस्टलाइन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर लॉन्ग रेंज, ये लॉन्ग रेंज के लिए होगा, किसने के लिए होगा, लॉन्ग रेंज के लिए होगा। बट इसमें जो होगा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज, ये शॉर्ट रेंज के लिए होगा, दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट रेंज। इसीलिए इसे चाहे तो और इन अदर वर्ड्स में आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये रेगुलर अरेंजमेंट में होगा ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, और इसमें आप बोल सकते हैं और में कि इरेगुलर अरेंजमेंट है, कोई रेगुलरिटी नहीं है क्योंकि इसे बहुत ही कम है, कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि रेगुलर है, बस 1-2-3 में दिखेगा उसके बाद दिखना बंद हो जाएगा, इसलिए सिंपली आप इसे इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी बोल सकते हैं। जैसे कैसे आप देखिए इस चीज को, इसमें कंटिन्यू चलते जाएगा, रेगुलर अरेंजमेंट जो है कंटिन्यू आपको दिखता रहेगा, इसमें नहीं दिखेगा। कैसे, जैसे मान लो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो एटम का सेंटर मीन्स न्यूक्लियस होगा, एटम नहीं है, ठीक है। एक मैंने दिखाया इसे रेड से, दूसरा मैं दिखा रहा हूँ ब्लू से, ये दूसरा हो गया एटम न्यूक्लियस जो भी बोलना है बोलिए, फिर है रेड, मैं एक फिर नेक्स्ट ब्लू कर लीजिए, सेम डिस्टेंस पे एक रेगुलर होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी लाइन से शुरू करते हैं, ठीक है। अब क्या है, अगली बार जो होगा यहाँ से शुरू हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो बनेगा यहाँ से होगा, नेक्स्ट जो होगा इसमें फिर रेड होगा, रेगुलर है एक वेल मैनर में रेगुलरली आप मूव करते जा रहे हो, सेम डिस्टेंस पे सेम दोनों हर तरफ से सेम डिस्टेंस ले कर रहे हैं, और देख लीजिए रेड ब्लू ये चलता जा रहा है, ठीक है। एक और चेक कर लीजिए, अगली बार जो होगा बिल्कुल इसके नीचे होगा, ये उसके बाद ये इसके नीचे होगा, फिर ये इधर हो गया, फिर नेक्स्ट उसके नीचे हो गया, फिर नेक्स्ट ये रहा यहाँ पे, फिर अगला यहाँ पे रहा, तो इस तरीके से आप देख रहे हो एक रेगुलर अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट जो है बिल्कुल रेगुलर है नहीं। एक देखिए रेड ब्लू यहाँ पे भी चेक करेंगे, इस लाइन में भी तो रेड ब्लू यहाँ पे भी रेड ब्लू, लेकिन इस वाले में कुछ ऐसा नहीं देखने को मिला। देख लीजिए मैं जैसे बता रहा हूँ, पहला ब्लू फिर रेड फिर ब्लू, ये तीन तक तो आपको देखने को मिला कि क्या है ये, कि एक पैटर्न है, रेगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं मिला।
देखिए इसके बाद क्या मिला आपको, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है कि कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, क्या है पता नहीं क्या है, कुछ इस टाइप से। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट आपको नहीं देखने को मिल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, पता नहीं चल रहा है क्या है, रेड ब्लू कोई पैटर्न आपको नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट, दिस इज इन रेगुलर अरेंजमेंट। तो रेगुलर अरेंजमेंट में जो होता है, रेगुलर ये क्या है एक तरीके से, अब देखो आयन्स के फॉर्म में आप इसे मान सकते हैं, दिस इज केटायन, दिस इज एन आयन, केटायन एन आयन, या फिर कोवेलेंट होगा तो मेटल नॉन मेटल। इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा इस केस में, इसलिए टाइटली बाउंडेड होता है, काफ़ी कम एक तरह दूसरे से काफ़ी कॉन्टैक्ट में होता है, इसलिए इसमें काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है क्रिस्टलाइन चल। लेकिन ये क्या है, इतना स्ट्रांग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करूँ, एक ही चीज़ का बना हुआ है, मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि चौक एंड मार्बल दोनों सेम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट है नी, दोनों सेम से बना हुआ है, लेकिन जो चौक इसे आप इजिली ब्रेक कर सकते हो, ब्रॉक कर सकते हो, लेकिन जो ये है मार्बल उसे आप इजिली नहीं कर सकते ब्रॉक। हाँ कर सकते लेकिन इजिली तो एटलीस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में है वो होगा मार्बल, और एमोरफस में होगा वो होगा आपका चौक। तो उसमें जो है पैटर्न, चौक में जो है वो रेगुलर पैटर्न जो है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो फिक्स नहीं है, इरेगुलरिटी दिखाता बहुत जल्दी। लेकिन मार्बल में है वो रेगुलर पैटर्न ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसी वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट मैं मदद कर दूँ। ओके, अब देखिए ये मैंने जानबूझ के छोड़ा है क्योंकि दोबारा बनाना पड़ेगा तो फिर बड़ा मुश्किल है। देखिए एक मिनट क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेक्स्ट जो है, अब जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करूं तो ये जो है अनआइसोट्रॉपिक कहलाता है, अनआइसोट्रॉपिक, बट दिस इज आइसोट्रॉपिक है, अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, पूरी लाइन लिखनी है तो पूरी लाइन लिख लीजिए, बट दिस इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, आइसोट्रॉपिक इन नेचर आपको लग रहा है अमॉर्फस तो बेकार है, प्योर सॉलिड के नाम पे एक तो टाइप से धब्बा है, तो ये अनआइसोट्रॉपिक होगा, अनआइसोट्रॉपिक होगा एंड दिस इज आइसोट्रॉपिक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, इसका मतलब समझते हैं आखिर अनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है। अनआइसोट्रॉपिक का मतलब है कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अगर हम डिफरेंट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे तब में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी डिफरेंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आइसोट्रॉपिक का मतलब कि इधर भी मूव करो आपको सेम ही फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलने वाली है, जैसे अमॉर्फस में ऐसा इस टाइप से अरेंजमेंट की गई है कि आप किधर भी मूव कर लो आपको सब जगह सेम ही दिखेगा, कोई डिफरेंट नहीं दिखना है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें अगर आपने डायरेक्शन चेंज करा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, तो उसके बाद जो आपको आपको जो देखने को मिलेगा वो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज्ड मिलेगा। कैसे, तब को मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कि एक जगह का कहीं पे कुछ हो रहा है, कोई भी फंक्शन वगैरह हो रहा है, ठीक है, तो एक जगह बड़े अच्छे तरीके से पंचुअल वे में काफ़ी अच्छे से मेल को अलग, फीमेल को अलग, चिल्ड्रंस को अलग, इस टाइप से अरेंज किया गया है, और एक जगह जैसे कि मान लो कि कोई सत्संग वगैरह हो रहा है, नहीं सत्संग में तो अलग अलग है, कोई शादी ब्याह हो रहा है शादी बारात में, तो उसमें क्या करा गया, उसमें कोई थोड़ा ना बोलता कि आप मेल है तो इधर लाइन में, फीमेल है इस लाइन में, बच्चे हैं तो इधर अलग करके, वहाँ तो सब पूरी फैमिली के साथ एक साथ होते हैं। तो वो जो शादी वाला जो सीन बन रहा है ना वेडिंग में, तो वो हो गया आपका अमॉर्फस का, लेकिन जो सत्संग वगैरह जो ऐसे सीन होते हैं वो हो गया आपका किसका, क्रिस्टलाइन का। तो जो इस वाले में बनेगा, तो आपको किसी को भी मान लो कि ये है मेल करो, ये है फीमेल करो, और ये है चिल्ड्रंस करो, तो इस वाले में हम जा रहे हैं फिलहाल तो हमें चिल्ड्रंस मिलेगा, लेकिन हमने लाइन चेंज कर दिया, लाइन डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो अब हमें चेंज प्रॉपर्टी मिलेगा, मीन्स अब मेल के रो में जा रहे हैं। फिर इसको अगर चेंज करूंगा इधर जाना शुरू कर दूंगा तो फीमेल रोज में चला जाऊंगा, तो मैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल देखने को मिले। लेकिन जो वेडिंग वाला सीन है उसमें मैं इधर भी गया तो हो सकता है पहले बच्चे मिल जाए, फिर आपको क्या मिल जाए, कोई जरूरी है कि बच्चे ही मिले, हो सकता है उसके मम्मी पापा कोई भी मिल सकता है, इधर भी मम्मी पापा बच्चे कोई भी मिल सकता है। तो इस केस में पूरा एक तरह से खिचड़ी हो रखा है, कहीं पर कोई भी मिल सकता है,
तो इसलिए इरेगुलर टाइप के, नाम से इरेगुलर है, तो इसलिए आइसोट्रॉपिक बोला जाता है। पता नहीं कि जिधर भी मूव करोगे आपको एक ही जैसा मिलेगा, सब सेम है, ओके एक ही जैसा। लेकिन इस केस में जैसे सत्संग में जाते हैं तो एक रोज जो बना हुआ है मेल का, तो उसमें आप चले जाओ तो सिर्फ मेल मिलना, चेंज करा फीमेल मिलना, चेंज करा बच्चे मिलने, अगर अलग अलग किया गया तो। ठीक है, तो ये है हमारा, जैसे इसमें आपको फिलहाल मैं ले चल रहा हूँ, ठीक है, किस लाइन में क्या है। अगर फिलहाल हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो देखिए क्या मिल रहा था, रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, है नहीं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे चलने के लिए इस डायरेक्शन में, तो पहले क्या मिला, ब्लू फिर रेड फिर ब्लू, है कि नहीं, चेंज हो गया डायरेक्शन। जैसे आपने चेंज करा तो ये चेंज हो गया, पहले रेड इसमें मिल रहा था फिर ब्लू मिल रहा था, इस बार क्या है, पहले ब्लू मिला फिर रेड मिला फिर ब्लू मिल रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको और चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। अब इस डायरेक्शन से चलिए तो रेड 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 ही मिल गया, है कि नहीं। और आपको चेंज करने के लिए बोला जाएगा तो मान लो इस डायरेक्शन में आपको चेंज चलने के लिए बोल दिया जाए, तो मान लीजिए इसी में चलने के लिए बोल दिया जाए तो फिर रेड रेड मिल जाएगा, इसमें चलोगे तो फिर आपको इस वाले में तो रेड रेड ब्लू मिल जाएगा, रेड रेड ब्लू मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप जैसे जैसे डिफरेंट डायरेक्शन को चूज करोगे आपको फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलेगा। दिस इज क्रिस्टलाइन एंड एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम चेक करें तो इसमें आपको कुछ दूर तक आपको तो लग रहा था ब्लू रेड ब्लू फिर रेड रेड ब्लू ब्लू रेड 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 एक ही जैसा दिखने लगे। इसमें भी चेक करें रेड 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 ब्लू ब्लू ब्लू, मीन्स कोई डिफरेंस ही नहीं मिला कोई नहीं। ऐसे भी चेक करेंगे तो दो रेड दो ब्लू, कोई खास पैटर्न नहीं मिला, सेम ही मिला कि खिचड़ी टाइप से हो रखा है। दिस इज एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है, मैं सिर्फ कर देना नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो भी काफ़ी ये आइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक जो होता है वो काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है ये पहचानने के लिए कि ये जो सॉलिड है वो एमॉर्फस है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आज का थ्योरेटिकल ही रहेगा ये जो लेक्चर है बेसिकली। नेक्स्ट जो है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प, शार्प होगा इस केस में। शार्प का क्या मतलब है, शार्प का मतलब होता है कि फिक्स है एक तरीके से। जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ कि मान लो कि ये है सोडियम क्लोराइड, इसको अगर मुझे मेल्ट करना है तो अगर ये मान लेते दिस इज इमेजिनेशन कि 100 डिग्री या 200 या 400 डिग्री पे सेल्सियस पे अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो जितना भरा भी सोडियम क्लोराइड का अगर ये है जैसे वो सॉल्ट होता है ये मान लो कि पूरा का पूरा एक चट्टान टाइप से तो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा सेम हीट पे 200 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर वही प्लास्टिक या रबर का बॉल है अगर उसे आप गर्म करना चाहते हो लिक्विड स्टेट में चेंज करना चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा। वो पहले क्या होगा उसमें मतलब सॉफ्ट होना शुरू करेगा फिर वो कहीं से होगा, सेम हीट से तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम हीट पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सेम टेम्परेचर पे वो नहीं हो पाएगा मेल्ट। इसलिए बोला जाता है जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो सेम हीट पे मेल्ट हो जाता है, इसलिए बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज शार्प, शार्प होता है मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक का चेयर और ये लकड़ी का जो चेयर है, लकड़ी के चेयर को आप जला के मेल्ट करना चाहते हो एक टेम्परेचर फिक्स है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होना है। लेकिन अगर प्लास्टिक का करोगे तो पहले लंबा चौड़ा से ऐसा निकलेगा फिर उसके बाद वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसमें चेंज का टेम्परेचर का चेंज आएगा, इसलिए हम इसमें जो बोलते हैं मर्फस में इसमें रेंज ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ इन रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर का रेंज बनता है, रेंज ऑफ टेम्परेचर किसी फिक्स या किसी खास टेम्परेचर पे वो नहीं हो सकता, इसलिए टेम्परेचर उसमें बोलते हैं कि दिस टेम्परेचर टू दैट टेम्परेचर के बीच ये मेल्ट हो जाएगा। ओके चलिए अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे हो गया NaCl हो गया KCl हो गया ZnS हो गया जिंक सल्फाइड सोडियम क्लोराइड पोटेशियम क्लोराइड जिंक सल्फाइड CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड और आयरन हो गया जैसे मेटल्स वगैरह है कॉपर सिल्वर गोल्ड एटसेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और इसके एग्जाम्पल जो हो जाएंगे कौन कौन है, ग्लास है रबर है प्लास्टिक है, इसके एग्जाम्पल्स वैसे बेसिकली कम होंगे क्योंकि ट्रू सॉलिड तो है ना। ठीक है, ये है अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो ये रहा हमारा अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच का डिफरेंस है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पूछा भी जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो प्लीज़ इसे अच्छे से स्टडी करें समझ लें, काफ़ी बेसिक बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे।
फटाफट क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, क्योंकि ओरिजिनल सॉलिड ट्रू सॉलिड जो हमारा है वो कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके बारे में स्टडी करते हैं, बेसिक बेसिक बातें जल्दी से हम कर लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फोर टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? इसके फोर टाइप्स है, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स है फटाफट से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप है उसका जो नाम है, फर्स्ट टाइप का सबसे पहले हम देते हैं आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड। सेकेंड जो है वो है कोवेलेंट सॉलिड, कोई फर्स्ट सेकेंड नहीं टाइप्स है। थर्ड जो है मेटलिक सॉलिड, एंड फोर्थ इज आयनिक सॉलिड हो गया, कोवेलेंट, मेटलिक एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन से? मॉलिक्यूलर। देखो तो इसके बीच में हम वो ऐसा ही डिफरेंसेस वाला प्रॉपर्टी चेक कर लेंगे, क्योंकि इसके जो बेसिकली जो क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में वो डिफरेंसेस पे ही ज़्यादातर बनते हैं, ठीक है। और वैसे कि अगर हम डिफरेंसेस 4-5 पॉइंट देख चुके हैं, तो अगर एक के बारे में लिखना हो तो सबसे आसान काम है सिर्फ उसी के बारे में लिख देना है। पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कीजिए। वो टाइम चला गया जब आप लेंदी किए जा रहे थे, ठीक है। अब तो पॉइंट्स के फॉर्म में सब मांग रहे हैं। चलिए तो हम शुरू कर देते हैं। एक तो इसके लिए होगा, ठीक है। तो हमारा जो बेसिक कुछ पॉइंट्स होगा जिसपे हम बेसिकली इसको डिफरेंस करेंगे वो कौन कौन से? पहला है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सेकेंड जो होगा वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, थर्ड जो रखेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्थ जो होगा वो कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस, एंड नेक्स्ट जो होगा हमारा एग्जाम्पल होगा। इस बेसिस पे हमें करना है डिफरेंस, ठीक है। इस बेसिस पे हमने क्या करना है? डिफरेंस सबके बीच देखना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है आयनिक के लिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब किसके से बना, किससे मिलकर बना हुआ है? तो आयनिक है तो आप जानते हैं आयन्स के मिलकर बने हुए। आयन्स बेसिकली पॉजिटिव, कैटायन एंड एनायन, प्लस एंड माइनस कैटायन एंड एनायन का बना हुआ। कोवेलेंट जो है वो नॉन मेटल से बना होता है, किसका होता है? नॉन मेटलिक होता है, नॉन मेटल, नॉन मेटलिक। एंड ये दिस इज मेटलिक होगा, मेटलिक से बना होता है मेटल का। और ये सेम टाइप्स ऑफ एटम जिसे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या फिर सेम टाइप ऑफ एटम का बना हुआ, सेम टाइप ऑफ एटम का, ठीक है। ये हमारा पहला डिफरेंसेज हो गया। सेकेंड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बार बार बोल रहा था, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी फोर्स की बात की जा रही। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पहला है उसमें जो किसका बन रहा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहले में आयनिक है, आयन्स का है, प्लस माइनस का है, तो इसमें होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसमें कौन सा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। नॉन मेटलिक कोवेलेंट या नॉन मेटलिक जो कोवेलेंट है इसमें आप चाहे देखो, पहले वाले में आयनिक की बात करूं इसमें आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर आयनिक बॉन्ड। तो सिमिलरली कोवेलेंट में कौन सा हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन है? कोवेलेंट बॉन्ड है जो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। मेटलिक है तो मेटलिक बॉन्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये मेटलिक बॉन्ड जो मेटल एंड मेटल के बीच बनता है, मेटलिक बॉन्ड। और मॉलिक्यूल के बीच में जो बनेगा वंडरवॉल फोर्स हो जाएगा, ठीक है, वंडरवॉल फोर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा? आपको लग रहा होगा तो आयनिक का होगा या मेटलिक का होगा, है, लेकिन ऐसा नहीं। मेल्टिंग पॉइंट जो सबसे ज्यादा होता है वो कोवेलेंट का होता है। देखिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसमें हाई होता है, कोई शक नहीं हाई होगा, लेकिन इसमें आप हाईएस्ट लिखोगे, सबसे ज्यादा होता है। और इसमें जो होगा मॉडरेट होगा, मेटलिक में मॉडरेट होगा, हाई होगा, ठीक है। देखिए क्या है, कोवेलेंट में ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू आयनिक में? आयनिक में जो आयन्स के फॉर्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है काफी क्लोजली बाउंड है, वो ठीक है। कोवेलेंट में मेटल एंड नॉन मेटल के बीच बंध बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर भी उसे तोड़ना जो है, उस फोर्स को तोड़ना है, वो काफ़ी मुश्किल इसलिए हो जाता है कि उसके मेल्ट करने के लिए इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि इसमें मेटल एंड नॉन मेटल के बीच है, कोई भी नहीं मोल्टेन स्टेट में नहीं, रेगुलर स्टेट में भी जैसे स्टेट में होता है उस स्टेट में उसमें मेटल एंड नॉन मेटल काफ़ी अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कंडक्टिविटी।
कंडक्टिविटी, आयनिक बॉन्ड जो है वो तो आप जानते हो, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आयन्स कब बनाएगा, जब इन तो मोल्टेन स्टेट में, ये तो मोल्टेन स्टेट में होगा तभी बनेगा। जैसे मान लो कि NaCl है, ये नहीं होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं। जब ये Na प्लस Cl माइनस के फेज में होगा तब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा, तब ये कंडक्टिविटी होगा, ठीक है, तब ये कंडक्टिविटी को शो करेगा या कंडक्टेंस को। कोवेलेंट में ये तो लीस्ट होगा, बहुत ही कम होगा, इस क्योंकि मेटल नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, इसमें तो नॉन मेटल ज़्यादातर है, नॉन मेटल नॉन मेटल के बीच में बनने वाले, सॉरी कोवेलेंट तो नॉन मेटल के बीच में बन रहा है, तो उसमें मेटल नॉन मेटल के बीच में, वो तो आयनिक वाला हो गया, नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें जो बन रहा है नॉन मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसमें मेटलिक करेक्टर कहाँ से मिलेगा, फिर कंडक्टिविटी कहाँ से मिलेगी, कम है, बहुत ही कम होगा मेटलिक में, इसमें सबसे ज़्यादा होगा, हाइएस्ट होगा, ठीक है, और इसमें फिर हाई निकलेगा, ठीक, ओके, सबसे ज़्यादा होगा मेटलिक में कंडक्टिविटी, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ, इसका एग्जाम्पल क्या ले लेंगे, NaCl हो गया, KCl हो गया, ZnS हो गया, एक्सेट्रा। कोवेलेंट का एग्जाम्पल बता दीजिए, कोवेलेंट का एग्जाम्पल जैसे हो गया कार्बन, कार्बन का ले लेंगे, जैसे किसमें हो गया, डायमंड में, कार्बन कार्बन का एग्जाम्पल होगा डायमंड में, सिलिकन सिलिकन का होगा सिलिका मिट्टी में, एक्सेट्रा। मेटलिक है, मेटल मेटल के, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, एटसेट्रा। मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे CH4 हो गया, CCl4 हो गया, एटसेट्रा, ये सब, ओके। तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन ये, ओके। चलिए फटाफट जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के व्यू से, फटाफट से नोट कीजिए। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उसमें, क्योंकि बहुत सारी बातें हम करेंगे उसमें, रैंक वगैरह के, नंबर ऑफ एटम के बारे में, यूनिट सेल, क्रिस्टल फील्ड वगैरह सबकी बातें हम करने वाले हैं। इस लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, बेसिक थ्योरी थ्योरी बेस्ड का था या फिर ये सिंपल सिंपल बातें हमने करी। चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद। You make clear.